जितने भी स्पैमर्स है ना भाई, सच बता रहा हूँ, इन लोग को गाली दे के ही सुधारा जा सकता है। गाइस वेलकम बैक टू ऑल ट्रेन व्हील्स, स्वागत है आप सभी के टेकोमीटर के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। शामिल दोस्तों, आज मैं किसी टेक्निकलिटीज के बारे में बात नहीं करूंगा, आज मैं बात करूंगा एक स्पैम के बारे में, या फिर व्हाट्सएप में नहीं, एसएमएस स्पैम के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो। दोस्तों आज के दिन ही सुबह मैं ये सोच रहा था कि मैं आज रोम पे वीडियो बनाऊंगा, रैम पे बन चुका है, प्रोसेसर पे, रोम पे वीडियो बनाने के बारे में ये सोचते सोचते मैंने अपना फोन जो है थोड़ा सा चेक कर रहा था, फोन ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, उतने में ही एक मैसेज आता है सबसे पहले सुबह सुबह, उसके बाद एक दो घंटे बाद दूसरा मैसेज भी आता है। तो सबसे पहले जो पहला मैसेज था उसमें क्या लिखा था मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दोस्तों मैं इस मैसेज को जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो मैं पढ़ के आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में वो क्या बोलता है। योर मोबाइल नंबर हैव वन 5 crore 50 lakh रुपीज, रुपीज तो लिखा नहीं है, 5 crore 50 lakh INR फ्रॉम व्हाट्सएप कंपनी, सेंड फुल नेम, मोबाइल नंबर, एज, एड्स लिखा है मतलब एड्रेस, ऑक्यूपेशन, रिप्लाई टू व्हाट्सएप अवार्ड 11@gmail.com। इसका मतलब यह है कि आपका मोबाइल नंबर जो है वो जीता है 5 crore 50 lakh रुपए व्हाट्सएप कंपनी की तरफ से। आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, उम्र और पता और ऑक्यूपेशन मतलब आप क्या करते हैं, और रिप्लाई कीजिए व्हाट्सएप अवार्ड @gmail.com पे, यहाँ पे आप रिप्लाई कर दीजिए। ये वाला आया था फर्स्ट मैसेज। अब दूसरे मैसेज का बात करता हूँ। दूसरे मैसेज पे आया था कि कॉन्ग्रेट्स, INR रुपीज 30,000 कैन बी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट, चेक नाउ --, मतलब जो आपका लिंक है, लिंक दिया हुआ है एक चेक नाउ बोल के। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं फर्स्ट वाला जो मैसेज था उधर से। देखो सबसे पहले तो ये बताओ कि कौन इतना भाई इतना वीर है, फिर कौन इतना अमीर बैठा हुआ है जो मेरे को 5 crore 50 lakh रुपए देगा व्हाट्सएप कंपनी से। बोलो ना, व्हाट्सएप कंपनी मेरे को क्यों देगा, मेरे को बताओ किस चीज के लिए देगा। और मान लो मैं एक मिनट के लिए अगर मैं मान भी लिया कि व्हाट्सएप कंपनी दे रहा है, तो व्हाट्सएप को नहीं पता कि मेरा नाम क्या है, मेरे नाम से रजिस्टर हुआ है ये नंबर, मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप का वो मेरा रजिस्टर हुआ है, तो उसको नहीं पता है कि मेरा नाम क्या है, मेरा मोबाइल नंबर क्या है, और एड्रेस ऑक्यूपेशन चलो मैं छोड़ दिया, लेकिन मोबाइल नंबर, नाम ये सब उसको नहीं पता होगा व्हाट्सएप को, वो क्या इतना पागल बैठा है यहाँ पे। और एक तीसरा बात ये बताना चाहूंगा कि यार ये जो रिप्लाई टू व्हाट्सएप में आप देखो, वहां पे जो रिप्लाई टू व्हाट्सएप लिखा हुआ है, वहां पे व्हाट्सएप का स्पेलिंग देखो, WHATSAP लिखा है, फिर उसके बाद अवार्ड लिखा है, जबकि ऐप का स्पेलिंग AWP होता है। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ये सिंपली से एक स्कैम मैसेज है, ठीक है ना। वो जीमेल वीमेल पे आप एक बार एक मिनट के लिए आप भूल जाओ कि एक्चुअली ये कोई फेक लिंक है, लेकिन एक्चुअली फेक लिंक ही है, इस पर आप क्लिक करोगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ चल जाओगे। बेकार में क्यों क्लिक करना भाई, ये सब स्पैम तो पता ही चल रहा है स्पैम है, क्यों क्लिक करना। अब जो दूसरा मैसेज है उसमें मैं बात करता हूँ कि आप जीतते हो, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब आपको ग्रीट किया जा रहा है कि 30,000 आपके बैंक अकाउंट में आ सकता है, इस पे क्लिक करो, ठीक है ना। क्लिक करके मेरे को कहां से 30,000 कौन देगा भाई, कौन सा बैंक अकाउंट, कौन सा, कहां से मेरे वो पैसा आ रहा है भाई, कौन दे रहा है मेरे को वो। एक यहाँ ये तो प्रॉपर नंबर लग रहा है, फोन नंबर, इस पे मैंने ट्राई किया था तो स्विच ऑफ बता रहा, बैंक तो मेरे को कोई नोटिस नहीं भेजा कि हाँ आपके बैंक अकाउंट में जो है इतना पैसा आने वाला है या फिर आना चाह रहा है, आप अगर अलाउ करोगे तो आएगा, ये तो मेरे को बैंक नहीं भेज रहे हैं, तो भाई तो कहां से 30,000 रुपए मेरे पास आ रहे हैं। तो देखो भाई ये सब जो है ना, ये सिंपल से स्कैम है, स्कैम के अलावा और कुछ भी नहीं। प्लीज ऐसे मैसेज से अगर आप बचना चाहते हो ना, तो सिंपल यही तरीका है कि भाई इन सब मैसेजेस को इग्नोर करो। बहुत हो रहा है ये सब चीज आजकल, बहुत चल रहा है एक्चुअली में, ऑनलाइन में जो कोई भी आ रहा है उसके साथ भी ये सब होता रहता है। इन सब का एक ही सोल्यूशन है, इन सबको इग्नोर करो। अगर आप देख रहे हो आपका मैसेज आया ऐसे वाला, एक बार देखो बंद कर दो और देखो मत, और अच्छा होगा और भी कि आप उसको डिलीट ही कर दो, आपके फोन से बाहर निकाल के फेंक दो, ठीक है ना। इसके ऊपर किसी भी लिंक पे क्लिक मत करो, किसी भी वेबसाइट पे आपको जाने का कोई जरूरत नहीं है, कोई आपको वेला नहीं बैठा कि आप लोग घर में कुछ नहीं करोगे, बैठ बैठ के तो आपको पैसा मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ठीक है ना। आप अपना काम करोगे, ईमानदारी से करोगे, उसका पैसा आपको मिलेगा, रिवॉर्ड्स आपको मिलेगा, ठीक है ना, आपको काम करते रहना है। पर ऐसे वेला बैठे रहोगे तो घंटा कोई पैसा देने वाला है नहीं, तो इन सब चीजों के बारे में भूल जाओ। दूसरी बात यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि एक्चुअली ये लोग टारगेट करते हैं जो हमारे से उम्र से जो ज्यादा है, जो थोड़े एजेड पीपल है, जो मेरे और आपके जो पेरेंट्स हैं उनको ज्यादातर एम करते हैं, क्योंकि उनको पता है जो स्पैमर्स है उनको पता है कि ये लोग इनको इतना इंटरनेट के बारे में पता है नहीं, इनको मैसेज कर दो ये लोग गलती से क्लिक कर देंगे और आपको पता ही उसके बाद क्या होगा, ये लोग ज्यादातर उनको एम करते हैं, ठीक है ना। तो आपके घर में अगर आपके पेरेंट्स हैं जिनके पास स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, वो लोग तो इंटरनेट पे है या फिर नेट बैंकिंग वगैरह, बैंकिंग से रिलेटेड सब कुछ यूज कर रहे हैं, तो प्लीज उनका फोन आप हफ्ते में एक दो बार चेक जरूर कीजिए कि कहीं ऐसा कोई SMS ना आए, या फिर अगर आपसे आपके पेरेंट्स पूछते हैं कि ऐसे ऐसे मैसेज आए तो क्या करूं, तो प्लीज उनके फोन से वो मैसेज डिलीट करो और उनको बोलो कि पापा या मम्मी कि इन सब मैसेजेस को आप इग्नोर करो,
प्लीज प्लीज आपको भी बोल रहा हूँ, आपके पेरेंट्स जो देख रहे हैं उनको भी बोल रहा हूँ कि प्लीज इन सब चीजों से बचे रहो, क्योंकि ना आजकल डिजिटल जो है डिजिटल लाइफ में जो है हम लोग का बहुत सारे चीज जो है वो रहते हैं सिक्योर होके, जो बैंक डिटेल्स हो गए, जो बिजनेस पर्सन है उनके लिए बैंक डिटेल्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा रहता है, ठीक है ना। और हम जैसे के लिए जो सोशल मीडिया पे हम लोग के जो भी गूगल अकाउंट्स वगैरह डेटा अकाउंट्स जितने भी है वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए प्लीज कोई भी अगर इनमें से कुछ भी अगर लीक होता है ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना आपको पड़ सकता है। तो इसलिए यूट्यूबर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी ऐसे होते हैं जो फंस जाते हैं इन सब चक्कर में, बोलता है कि भाई आप हमारे मतलब स्पॉन्सरशिप के लिए आपको इस आप में ये वाला वेबसाइट पे लिंक पे क्लिक करो और आप हमारे वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, तभी आप क्लिक कर दो और आपका पूरा यूट्यूब अकाउंट चला जाएगा। तो भाई ये सब चीज के लिए मत पढ़ो ये सब चीज पे। और जो ऐसे डायरेक्टली पैसा देने के बारे में सोचे ना भाई, उनका तो बिल्कुल देखना ही मत, उनके ऊपर देखना ही मत। अगर आपको एड्स के लिए फिर स्पॉन्सरशिप के लिए आ रहा है तो फिर आप एक बार उस पर रिसर्च करो कि उस वेबसाइट पे फिर उस ऐप पे किसी ने वीडियो बनाया है कि नहीं, उस पर रिसर्च करो तो वो अलग बात है, ठीक है ना। पर ये सब जो पैसा वैसा देने वाला खेल है ना, इस पर बिल्कुल ध्यान देना नहीं है। और अभी मैं बात करूँ उन लोग के लिए जो लोग ये चीज स्पैम करते हैं, भाई तुम लोग किस टाइप के हो मेरे को बताओ तो भाई, किस टाइप के हो? देखो ये लोग जो है ना जो ये स्पैम करते हैं, ये लोग हमारे उम्र के हैं होते हैं, हम लोग के उम्र के होते हैं, फिर हमसे बड़े थोड़े से, बस कुछ 25-26 साल के होते हैं, उनके पास कुछ घंटा कुछ करने को है नहीं, बस बैठो और यही स्पैम करते रहो, ठीक है ना, लोगों को मतलब जो भी ऐसे पागल बनाते रहो, ठीक है ना। इन लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि भाई तुम लोग किस टाइप के हो, तुम्हारा साला खुद का पहचान तक है नहीं भाई, तुम लोग अपना आइडेंटिटी तक छुपा दो कि तुम लोग कहां से फोन कर रहे हो, क्यों फोन कर रहे हो, किस बात के लिए फोन कर रहे हो। साला मैं जो नंबर में तुम्हारा मैसेज आया था उस नंबर में मैंने फोन घुमाया, सॉरी वो फोन स्विच ऑफ आ रहा था, ये क्यों भाई, तुम लोग स्विच ऑफ क्यों कर रहे हो, बात तुम्हारे अंदर गर्मी है तो भाई बात करो ना मेरे से, क्या दिक्कत है तुमको बात करने का। इन लोग भाई अपना आइडेंटिटी तक छुपाते हैं, ठीक है ना। और तुम लोग क्या कर लोगे भाई, तुम लोग साला जो बंदा सुबह से लेके शाम तक मतलब मेहनत कर रहा है, मेहनत करके महीने का पैसा इनकम कर रहा है, उसका रिवॉर्ड है, उसका इनकम है, वो पूरा फैमिली का वो सैलरी बचा बचा के वो मेहनत करके इतना पैसा इनकम करता है, और तुम लोग साला उसी को लूट लेते हो, वो बेचारा उसको कुछ पता नहीं होता इंटरनेट के बारे में, और तुम लोग उसी से चोरी कर लेते हो और उसको पागल बना देते हो, और वो बेचारा अपना रोता रहता है कि भाई मेरा इतना पैसा लॉस हो गया, क्यों करते हो ऐसा भाई। देखो सिंपल सा बात है कि इन लोग को ना, मतलब जितने भी स्पैमर्स है ना भाई, सच बता रहा हूँ, इन लोग को गाली देके ही सुधारा जा सकता है। सुधरेगा तो ये लोग बिल्कुल भी नहीं, गाली दो या फिर मारो कुछ भी, ये लोग सुधरेगा नहीं। लेकिन हाँ प्यार से लोग सोचते हैं कि यार प्यार से मनाएंगे समझेंगे, घंटा प्यार से समझेंगे। इन लोग को भाई जहां मिलेगा ना गाली दो। अगर आपको फोन आ रहा है ना कि भाई आपके ये पेटीएम में इतना पैसा आपने जीता, पूरा गाली दो, सीधा मुंह पे गाली दो, ठीक है ना, पूरा गाली दो इनको भाई। इनको कुछ पता, इनको मतलब क्या बोलूं मैं साला। जो लोग सबसे गंदा बात ये लगता है कि भाई जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है ना, उन लोग का ये लोग पैसा मार लेता है भाई। ये लोग कहां से आते हैं मेरे को बताओ, किस किस्म के लोग हैं भाई। तुम्हारा खुद का कोई औकात नहीं है भाई पैसा इनकम करने का, वो भी सही तरीके से चोरी कर रहे हो ऑनलाइन में, चोरी कर रहे हो तुम लोगों से। जो लोग साला मेहनत करके पैसा इनकम कर रहे हो उनका पैसा मार रहे हो, उनका पैसा अपना बोल रहे हो, तो तुम्हारा क्या पहचान रह गया भाई। तुम लोग खुद का औकात नहीं है, कुछ औकात खुद से कुछ कर नहीं सकते, खुद के अंदर बस यही चोरी करने वाला बसा हुआ है भाई। कहां से क्या खाते हो तुम लोग, सच में बता रहा हूं मैं, क्या खाते हो तुम लोग ऐसे। प्लीज मतलब बोलना भी बेकार है कि यार तुम लोग मत करो, या फिर तुम लोग को रिक्वेस्ट करना भी बेकार है, तुम लोग ये काम छोड़ोगे नहीं, ठीक है ना। तुम लोग मारने के लिए पैदा हुए हो, मारते ही रहोगे साला, ठीक है ना, खुद के दम पे कुछ नहीं कर पाओगे। तो भाई प्लीज मेरे जो व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज ये सब चीज शेयर करना नहीं करना वो तुम्हारी बात है, लेकिन प्लीज अपने घर वालों को खुद को जो है इन स्पैमर से बचा के रखो यार। बहुत गुस्सा आता है ऐसे, मतलब जो ये सब जो स्पैम करते हैं ना कि ऑनलाइन में पैसा जीत लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है सही में, मैं बता रहा हूँ। मतलब छोड़ो यार, बात करना बेकार है इन सब के बारे में। तो प्लीज इन सब से दूर रहिए, बच के रहिए, और अपना सेफ्टी अपने हाथ में रखिए। तो दोस्तों आज के लिए बस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, नहीं आए स्पैमर हो डिसलाइक मारो, ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं मेरे को। पर जो लोग को पसंद आए वो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो तो आप नीचे बताइएगा। और अगर आपको ये अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें, सेफ ड्राइव करें, और देखते जरूर रहें ऑल टेरेन व्हील्स। जय हिंद।